नमस्कार, मैं साकेत कुमार, आप नव भारत टाइम्स देख रहे हैं। बीपीएससी द्वारा शिक्षक नियुक्ति की परीक्षा पहली बार हो रही है। पटना में कुल 38 से ज़्यादा जो है वो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और इस परीक्षा में लगभग 8 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। 1,70,000 पदों पर नियुक्ति की जाएगी, जिसके लिए पूरे राज्य भर में 850 केंद्र बनाए गए हैं और परीक्षा के लिए आए हुए हैं। इस वक्त हम पटना के बीएन कॉलेज के पास हैं, सेंटर के पास पहुँचे हुए हैं। जिस तरीके से आप देख सकते कि अब जो अभ्यर्थी हैं वो अब परीक्षा केंद्र पर पहुँच रहे हैं और जो परीक्षा की तैयारी कैसी है, एग्ज़ाम कैसा होगा, आज से इस परीक्षा की शुरुआत हो रही है, यानी कि आज 24 अगस्त 25 और 26 अगस्त तक परीक्षा होगी। कुछ अभ्यर्थियों से हम बातचीत करते हैं कि आखिरकार जिस तरीके से सरकार कदाचार परीक्षा की बात कर रही है और अब उस परीक्षा की जब शुरुआत हो चुकी, लंबे समय से परीक्षा का इंतजार था, तो कैसा, क्या कैसी तैयारी है आपकी? तैयारी तो बहुत अच्छी है, जितना मैं उतना भी। लंबे समय से इंतजार कर रहे थे परीक्षा का, परीक्षा की घड़ी आ गई है, बीपीएससी द्वारा परीक्षा करवाया जा रहा है। क्या लग रहा है कि मतलब सब कुछ सही होगा, अच्छे से परीक्षा होगा? आप तो देख रहे हैं, अगर चीट आउट नहीं हुआ, अगर पेपर आउट नहीं हुआ तो जो भी होगा बहुत अच्छा से होगा। तो क्या बीपीएससी के द्वारा परीक्षा करवाया जा रहा है, उसके बाद भी आपको लग रहा है कि पेपर आउट हो जाएगा? देखिए, पेपर आउट तो पिछले वजह 67 बीपीएससी में भी हो गया था जी, वो तो मैं इसी का क्या बोलना है, स्टेट पीसीएस का था, तो वो भी अब पेपर आउट हो गया, तो इसमें क्या कहा जा सकता है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। वो तो सरकार किस तरह से तैयारी की है, किस तरह से उसकी रणनीति है, वो तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कितना उसका मतलब कि मेहनत उसका सफल होता है कि नहीं होता है। अगर उसमें इस रणनीति में रोक पाती है, अगर पेपर नहीं आउट होता है अच्छा से, अगर एग्जाम हो पाता है, तो मतलब सही बच्चों का आई थी क्या बोला है बढ़िया से, और जो भी मतलब तैयारी किए होंगे, अगर गरीब और भी बच्चे होंगे तो मैंने बढ़िया से निकल सकते हैं, नहीं तो। इस परीक्षा केंद्र पर आप आने के लिए कहाँ से आए हैं? हम आए हैं बेतिया से। बेतिया से आए जी। कैसी तैयारी है आपकी? लंबे समय से एग्ज़ाम का इंतज़ार हो रहा था, अब समय आ गया है। मेरी तैयारी तो अच्छी थी, अच्छी है, और प्लस मैं स्टेट पीसीएस का भी प्रिपरेशन करता हूँ, जिसके कारण बेहतर है। लेकिन इसमें बहुत सारा है कि जैसे मैं आपको अगर कह आप मैट्रिक का एग्ज़ाम दे और उसमें बताया ही नहीं जाए कि पहले ही हो जाए कि आप फेल भी कर सकते हैं, और इसमें संशय का जहाँ स्थिति बन जाता है वहाँ बच्चे का थोड़ा जो होता है वो डगमगा जाता है। तो लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट कर रहे हैं और मैक्सिमम बच्चे एग्ज़ाम देने आ रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि अब हम लोग ये नहीं जानते हैं कि क्या है, बहुत हमारे आधार से कि एजुकेशन डिपार्टमेंट को थोड़ा नेतगिरी से थोड़ा अलग रखना चाहिए। बताइए कि 1,70,000 से अधिक सीटों पर नियुक्ति होगी, 8 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं, क्या लग रहा है कि मतलब कंपटीशन टफ है? देखिए, औरों की अपेक्षा तो बहुत आसान है, इसलिए कि आप नॉर्मली हम लोग भी स्टेट पीसीएस का प्रिपरेशन कर रहे थे या आईएएस का प्रिपरेशन कीजिए, तो उसमें होता है क्या कि जहाँ 1 लाख बच्चे बैठते हैं, एग्जाम्पल अच्छे बच्चे बैठते हैं, 1 लाख अच्छे बच्चे बैठते हैं, तो उसमें से मात्र 400-500 सीट आता है। उसमें भी कास्ट डिस्ट्रीब्यूशन का बात किया जाए तो उसमें कटते किसी को 20 को, किसी कास्ट को 20 को मिलता है, किसी को 25 को मिलता है, तो उसके मामले में ये बहुत अच्छा है। और हम लोग तो प्रिपरेशन किए हैं और मेरा काम है एग्ज़ाम देने का, एग्ज़ाम देंगे और कुछ ना कुछ बेहतर ही होगा। हम लोग गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप कुछ अच्छा कीजिए ताकि हम लोग के फेवर में आवे। हम लोग बहुत दूर से आए हैं, हम मानिए नेपाल का बॉर्डर जो है सोनवर्षा सीतामढ़ी, और इतना दूर से आए हैं, उसमें भी इतना टाइमिंग रहना, 3 से 4 दिन रहना, ऊपर से उसको प्रिपेयर करना, अभी बरसात का मौसम है, उसको झेलना, जर्नी करना, एग्जाम देना, मतलब कई परेशानियों के बीच में से एग्जाम को देने के लिए आए अच्छी तैयारी के साथ। जी जी, तो और भी लोगों से जुड़ते हैं, उसके बाद आपके पास आते हैं। देखिए, पूरा जो सिस्टम है बीएन कॉलेज के पास, ये रोल नंबर देख के बच्चे अंदर, अभ्यर्थी जो है वो अंदर जा रहे हैं। ये बताइए, कैसी तैयारी है, कहाँ से आए हैं? सीतामढ़ी से आए हैं। सीतामढ़ी से आप भी आए जी, तैयारी कैसी है? तैयारी अच्छी है। तैयारी अच्छी है जी। क्या मतलब जिस तरीके से इंतजार हो रहा था, अब इतने पदों पर नियुक्ति की जा रही है, तो क्या तैयारी अच्छी से की है या फिर बस ऐसे? नहीं, बहुत अच्छे से तैयारी की है। बहुत अच्छी तैयारी की है। आप कहाँ से आए हैं? जी, सीतामढ़ी से हैं। सीतामढ़ी से आए जी। तैयारी कैसी है? बहुत अच्छी है। क्या सरकार से कुछ कहना है, बीपीएससी पहली बार एग्जाम ले रहा है? जी जी, ये तो अच्छा से एग्जाम कंडक्ट हो जाए, इसमें हम सबकी भाई जी ये है। ठीक, धन्यवाद। आप कहाँ से हैं? गोपालगंज से। गोपालगंज से आए हैं। तैयारी कैसी है? अच्छी है। जिस तरह से लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था, 1,70,000 से अधिक सीटों पर परीक्षा हो रहा है, 8 लाख अभ्यर्थी हैं, क्या लग रहा है कंपटीशन टफ है?
हाँ, कंपटीशन तो टफ है लेकिन सही है, ठीक है। और बीपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है, क्या ऐसे कुछ दिक्कत है या फिर आप लोगों का? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छे क्वालिटी आएगा इसमें, क्वालिटी टीचर का एग्जाम हो। हाँ, हम लोग का सोच था यही था। हाँ, इसी तरह का एग्जाम हो, आगे भी जारी रहे पारदर्शी तरीके से। इतना ही है कि सरकार इसको कंडक्ट। एग्जाम होने से पहले काफी ज्यादा कंफ्यूजन था, बहुत विवाद भी चल रहा था, उस सबको कैसे देखते हैं? अब उन सबके बाद अब एग्जाम देने के लिए पहुंचे हैं। नो, ठीक है, विवाद अपने जगह पर है लेकिन ये सरकार का फैसला अच्छा है, हम तो इसका स्वागत करते हैं। अच्छे क्वालिटी टीचर आएंगे। और भी अभ्यर्थी, उन अभ्यर्थियों से जुड़ने की कोशिश करते हैं। ये बताइए कि कहाँ से आए और कैसी तैयारी है आपकी? मधुबनी जिला से हैं, दिल्ली में रहते हैं जी। पेपर देने आए हुए हैं। सब दिल्ली से एग्जाम देने के लिए आए हैं? जी जी, वहाँ काम करते हैं। तो तैयारी कैसी है अब दिल्ली से एग्जाम देने के लिए? ठीक ही है, अब काम में भी लगे रहते हैं, तैयारी भी करते हैं, तो ठीक ही है मिला जुला के। अच्छा, ये बताइए एक चीज़ की, एग्जाम होने से पहले बीपीएससी पहली बार एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है और इससे पहले कई तरह के विवाद भी चल रहे थे, बहुत विरोध भी हुआ, उसके बाद अब जब एग्जाम लिया जा रहा है तो इसे कैसे देखते हैं? तो भारी असमंजस की स्थिति है, आगे क्या होगा कुछ पता नहीं है। कुछ पता नहीं है। स्टेट में बोले थे जो है मंत्री जी की, स्टेट ने बोले थे पास कीजिए और नौकरी लीजिए, उसके बाद बोले नियोजित में जाइए, उसके बाद कह रहे हैं फिर बीपीएससी दीजिए, आगे कहेंगे फिर यूपीएससी दीजिए। तैयार है हर चीज़, कोई ठिकाना नहीं है। हाँ, दे देंगे, जहाँ तक एज जब तक बचा देते रहेंगे। चलिए, देखिए साफ तौर से अभ्यर्थियों का कहना है कि एज जब तक बचा है तब तक देंगे, और जिस तरीके से अब लंबे समय से एग्जाम की जो इंतजार था, वो बच्चे इंतजार कर रहे थे, अभ्यर्थी अब जो परीक्षा केंद्र, उन परीक्षा केंद्रों पर पहुंच चुके हैं। कुल राजधानी पटना में 38 केंद्र बनाए गए और बिहार भर में 850 केंद्र बनाए गए, जहाँ पर अभ्यर्थी एग्जाम देने के लिए पहुँच रहे हैं। 24, 25, 26 यानी कि आज से परीक्षा की शुरुआत हो रही है और 26 अगस्त तक इस परीक्षा की जो परीक्षा है वो परीक्षा चलेगा। और तमाम अभ्यर्थियों का कहना है कि बीपीएससी एग्जाम ले रहा है, इससे कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम की तैयारी हमारी अच्छे से है, बस एग्जाम सही कदाचार तरीके से हो जाए। प्लस खबर में इतना ही, नोवा टाइम्स के साथ बने रहें। पटना से साकेत कुमार।